सो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज राबिया क्यों नहीं कर रही, आप लोगों राबिया क्यों नहीं वीडियो बना रही। तो आज उसकी वीडियो मैं बना रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को याद होगा उसने एक दफ़ा मुझ पर प्रैंक किया था और मुझे रुलाया था। तो अब मैं लूँगी उससे बता, उसे करूँगी कॉल और प्रैंक करूँगी उस पर। तो आगे आप देखिए, सो ये मैं करी राबिया को कॉल। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक। तुम यार मेरी याद कहाँ से आई? यार बस जब लोग बदल जाए ना तो याद आ ही जाती है। चलो बस चलो, बदल जाए तुमको आसानी बनती। बस बस रहने तो, जो तुमने किया है तो मुझे पता चल गया। राबिया क्या किया मैंने फजूल? मुझे तुमसे ऐसे ही उम्मीद नहीं थी। यार जो तुमने मेरे बारे में बातें की है ना, बस मुझे उम्मीद ही नहीं थी तुमसे कि तुम ये सब करोगे। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास नहीं कर रही, मैं ठीक बोल रही हूँ। देखो मैंने किससे बात की है, सीरियसली तो मैंने किससे बात की? बस मैं नाम नहीं ना, नाम नहीं ना मैं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? तुम डरती हो लेके खाती हो किसी का नाम ना? नहीं लेके खाने वाली बात नहीं है, बस मना किया ना उसने मुझे, जिसने भी मुझे बताया। वो तुम बताओ तुमने किससे कहा है? मैंने बात की नहीं है जब किसी को, तो फजूल ही तुम हर कर रही हो मेरे पे। बस बस कर दो, झूठ कम बोलो तुम। बस करो यार, मैंने मुझे झूठ बोलने क्या मिलेगा, तुम मुझे ये बताओ। बस कर दो यार, रहने दो, तुमसे ये उम्मीद ही नहीं थी मुझे तो तुम ये करोगी। बस यार रमजान में तो ऐसे ना बोलो ना, अपनी गलती मानो। मैंने नहीं किया यार कुछ। बस कर दो यार, अच्छा होगा तुम खुद ही अपने मुंह से बता दो। बस मुझे पता चल गया तुम मतलब मेरे बारे में ऐसे सोच रखती हो तुम यार। ऊपर से तुम क्या मेरे साथ हो और दिल में तुम क्या रखती हो, हद होती है ऐसे। हाँ तो वही मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम सुनाओ तुमने क्या। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ, मुझे पता है तुमने मेरे बारे में क्या बातें की हैं, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। मैंने नहीं की है बीबा, मैंने किसी से बात नहीं की है यार, तुम मेरी दोस्त हो। रो नहीं तुम, ठीक है ना, मुझे सब बताओ ठीक है। बस कर दो यार तुम, मतलब मेरे पास ना पूरे, अगर कोई मुझे अपने मुंह से बताता ना तो मुझे यकीन नहीं होता। मेरे पास स्क्रीन शॉट्स आए हैं ठीक है। यार ऐसा तो नहीं होता, बस पता चल गया मुझे तुम कितनी सिंसियर हो मेरे साथ। रोने का ना कोई नहीं जी, रोने का कोई फायदा नहीं है। बस देखो रोने का कोई फायदा नहीं है ठीक है ना, और बस सब जो होना था हो गया, जो तुमने करना था वो कर लिया तुमने, जाने दो। क्या बताऊँ यार, तुमने किस थर्ड पर्सन की बातें की है, मुझे तुम पे यकीन था। मैंने पहले यकीन भी नहीं किया था, लेकिन जब तक मेरे पास स्क्रीन शॉट्स नहीं आए थे, अब मेरे पास स्क्रीन शॉट्स हैं। तुम कहती हो मैं तुम्हें सेंड कर देती हूँ। झूठी सफाइयाँ ना मेरे सामने पेश करो तुम, समझ आ गई है? बस अब हम दोनों की दोस्ती खत्म, तुम अलग मैं अलग। अच्छा मैंने तुम्हें एक बात और बतानी थी वैसे। रो नहीं, तुम मेरी बात सुनो। अच्छा मेरी बात सुनो पहले, तुम मेरी रोना बंद करो। बोलो। तुम मुझे रुला सकती हो, मैं नहीं तुम्हें रुला सकती। क्या मतलब? प्रैंक कॉल की थी मुझे याद है, प्रैंक कॉल करके मुझे रुलाया था ना यार।
यार मैं देखो बदला लेना तो बनता था ना, तुमने मुझे रुलाया, मैं नहीं रुलाती। अच्छा चलो तुम तो शुरू ही हो गई हो, बस कर दो। हाँ बस टाइम नहीं पास हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना बदला लिया जाए। तुम्हारा टाइम पास बेटा मैं कर रहा। अच्छा चलो अब तुम्हारी वीडियो मैं शूट कर रही हूँ, ठीक है? अब ये तुम अपने चैनल पे डाल रही। हाँ जी अब आपने अपने चैनल पे डाल दी है, ठीक है? चलो ठीक है, तुम बेटा आओ वीडियो में, तुम भी आओ ना जरा, तुम्हें भी डाल दूंगी। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाद में बात करते हैं। सो राबिया को मैंने पागल बना दिया, उसको मैंने रुला दिया, बदला मैंने अपना ले लिया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो राबिया को जाके इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। बाय बाय।